हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप टाइटल देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है लाडली बहना योजना क्या है, तो इसके बारे में आपको आज सारी जानकारी हम देंगे। ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगा, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। लाडली बहना योजना 2023। लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर 28 जनवरी 2023 को बुधनी में नर्मदा तट के पावन स्थल पर की गई है। इस योजना को सरकार द्वारा 25 मार्च 2023 लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश में रहने वाली सभी बेटियों को 1000 प्रतिमाह दिया जाएगा। हमारे देश में कई लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण हमारी बहन को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते। प्रदेश में रहने वाले कई लोगों को ऐसे भी हैं जो अभी भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। आगे पढ़ते हैं कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव तो पड़ चुके हैं। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से लाडली बहना योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता दस्तावेज जो है आदि की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों। तो शुरू से अंत तक वीडियो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लाडली बहना योजना जो डेट है, लाडली बहना योजना का जो डेट है दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए लाडली बहना योजना की डेट जारी कर दी गई है। लाडली बहन योजना का फॉर्म जो है 25 मार्च से भरना स्टार्ट हो गया दोस्तों, और हो चुके हैं 10 जून को जो है इस योजना के पैसे महिलाओं के बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं लाडली बहना योजना का आधिकारिक घोषणा 5 मार्च 2023 को किया गया है। लाडली बहना योजना आवेदन प्रारंभ प्रक्रिया जो है 25 मार्च तक है। लाडली बहना योजना का आवेदन की आखिरी तारीख जो 30 अप्रैल रखी गई है। लाडली बहना योजना अंतिम जो सूची का प्रकाशन है 1 मई 2023 से होगा। लाडली बहना योजना अंतिम सूची पर दावे एवं आपत्तियाँ जो है अंतिम तारीख जो है 15 मई है। और लास्ट में दोस्तों एक और है, दो है, लाडली बहना योजना आपत्ति के निराकरण की अंतिम तारीख जो है 30 मई तक है। लाडली बहना योजना का पैसा कब आएगा, तो 10 जून को दोस्तों श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहना योजना को जो है पैसा जारी किया जाएगा। हर माताओं बहनों के खाते में जो है 10 जून को पैसा बोला गया है कि आपके खाते में पैसा दिया जाएगा। अब बात करते हैं लाडली बहना योजना अनंतिम सूची का नाम कैसे देखें। दोस्तों इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना के रखा हूँ, लेकिन आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है अनंतिम सूची 1 मई 2023 को जारी की गई है। अब इस सूची में आपको अपना नाम चेक करना होगा। इस सूची का नाम चेक करने के बाद बहना की लाभ मिलेगा। अंतिम सूची आपकी आवेदन संख्या समग्र आईडी से देख सकते हैं दोस्तों। आपका जो समग्र आईडी होगा वही आपका आवेदन क्रमांक होगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं जैसे आपको लाडली बहना योजना में सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह दोस्तों आपको इंटरफेस होगा, ओपन आवेदन की स्थिति में जाके देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको सारा चीज़ भर देना है। जैसे यहाँ पर समग्र आईडी, यहाँ पे लाडली बहना आवेदन क्रमांक जो है आपको केवाईसी के दौरान मिलता है। आप दो ही चीज़ डाल सकते हैं, अगर ये है तो ठीक है, ये नहीं है तो ये डाल सकते हैं, दोनों में कोई। और यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो है सूची दिखा देगा कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं लाडली बहना योजना में आपत्ति दर्ज कैसे करें। तो दोस्तों जैसे अगर आप पात्र हैं और आपको लगता है कि आपको अपात्र कर दिया गया, तो आप उसके लिए जो है आपत्ति दर्ज कैसे करा सकते हैं इस वीडियो में आप बता रहे हैं। अभी लाडली बहना योजना की अंतिम सूची जारी होने के बाद आवेदिका बहनें अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती हैं, ठीक है। उन्हें आपत्ति जल्द से जल्द करनी होगी। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि जो है 15 मई तक है। आपत्ति दर्ज कराने के बाद आवेदिकाओं की अंतिम सूची जारी होगा। उसके बाद अंतिम सूची के अनुसार सभी बहनों के खातों में लाडली बहना योजना के रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह जो है आपको करना होगा। अब आगे बात करते हैं सीएम लाडली बहना योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, किसी भी परिवार में यदि दो बहुएँ हैं तो उन्हें भी हर महीना 1000 रुपये दिए जाएंगे। सास यदि बुजुर्ग है तो वृद्धावस्था पेंशन 600 रुपये, इस साथ ही 400 जोड़कर दिए जाएंगे। गाँव में मार्च में फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। मार्च में ये फॉर्म जो है भरे जाएंगे। अधिक पा रहे हैं ट्विटर पे जो है श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि लाडली बहना योजना में किसी परिवार में यदि दो बहुएं हैं तो उन्हें भी हर महीना 1000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों आपको लाडली बहना योजना का जो उद्देश्य क्या है। तो लाडली बहना योजना का जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, तो क्या है, लाडली बहना योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य कि प्रदेश में रहने वाली नागरिकों की नकारात्मक सोच को बदलना और बालिकाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाना। बालिकाओं के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच एवं उनके लिंग अनुपात में
सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की। इस योजना की सहायता से प्रदेश में लोगों को बालिकाओं के प्रति स्नेह बढ़ेगा। प्रदेश में सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि हमारे जो भी गरीब बहनें निम्न मध्यम वर्ग की हैं, किसी भी जाति की बहनें हों, सामान्य हों, पिछड़ा वर्ग हों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हों, बहनों को कैसा भेदभाव है, अब प्रदेश में रहने वाली सभी बहनों को 1,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है पाँच साल में 60,000 रुपये दिया जाएगा, 5 साल में 60,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, 5 साल में 60,000 रुपये दिया जाएगा ताकि आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। इस योजना पर सरकार द्वारा 5 वर्षों में 60,000 रुपये का खर्च किया जाएगा एक व्यक्ति के प्रति। आगे दोस्तों बात करते हैं MP लाडली बहन योजना के लाभ क्या हैं। तो लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना में महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान किया जाएगा जिससे उन्हें अपने जीवन शैली जीने में आसानी होगी। लाडली बहन योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले महिलाओं में बैंक खातों में सीधे DBT के माध्यम से भेजा जाएगा जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न होगी। यदि कोई महिला पहले से किसी भी योजना के तहत लाभ उठा रही है तो उसे इस योजना में शामिल किया जाएगा। महिला चाहे किसी भी धर्म जाति जनजाति नाता रखती हो सभी को इस योजना में शामिल किया जाएगा। पेंशन वाली महिलाओं को भी इस योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ इस तरह है अपना मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना का। और आगे यहाँ पे आपको बता देते हैं MP लाडली बहन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है दोस्तों ये आ रहे हैं कि इस योजना का जो नाम है, योजना का नाम है MP लाडली बहना योजना। राज्य क्या है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश है। शुरुआत किया गया दोस्तों श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। आगे दोस्तों देखते हैं विभाग जो है हमारा, विभाग जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। कैटेगरी दोस्तों क्या है, MP गवर्नमेंट स्कीम्स जो है। लाभार्थी दोस्तों क्या होंगे, प्रदेश की महिलाएं होंगी, प्रदेश की महिलाएं। आर्थिक लाभ जो दोस्तों कितना है, आर्थिक लाभ हमारा 12,000 प्रतिवर्ष है। पात्रता दोस्तों क्या होंगे, जो महिलाएं आयकर दाता नहीं होंगी उनको जो है मिलेगा दोस्तों 12,000 रुपये एक साल का, ठीक है, मतलब कि एक महीने का 1,000। लाडली बहना योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों क्या है, www.cmladlibehna.mp.gov.in, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं लाडली बहना योजना की पात्रता क्या है। लाडली बहना योजना की पात्रता की अगर बात करें तो लाडली बहना योजना की पात्रता में आपको निम्न वर्ग मध्यम वर्ग किसान एवं गरीब महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। आगे दोस्तों महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, अर्थात उसके पास मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। महिलाएं चाहे जिस भी जाति धर्म समान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग नाता रखती हो उसे भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, ठीक है। जो भी महिलाएं आंगनबाड़ी रसोईया आशा स्वयं सहायता समूह से ताल्लुक रखती हैं उन्हें भी प्रदेश में बहना योजना में शामिल किया जाएगा। लास्ट में दोस्तों एक टॉपिक हमारा जो बच रहा है कि यदि कोई भी महिला पहले से किसी योजना से पेंशन लाडली बहना योजना संबल योजना आदि के अंतर्गत लाभ उठा रही है तो उसे भी इस योजना के तहत अलग से लाभ पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे एज लिमिट क्या रखी गई दोस्तों, तो एज लिमिट आपको बता देते हैं कि जो एज लिमिट है लाडली बहना योजना में, तो आपको बता दें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 से न्यूनतम आयु जो है 23 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है 60 साल होना चाहिए। अब दोस्तों इधर देखते हैं लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं कि लाडली बहना योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे महिला का विवाहित होना अनिवार्य है, उसे जो है लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो टॉपिक लिखा हुआ है कि लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा, महिला विवाहित होना अनिवार्य है, जिन महिलाओं के परिवार आयकर दाता की श्रेणी में आते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। महिला परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। महिला की परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम मंडल स्थायी कर्मचारी संविदा कर्मचारी पेंशन इत्यादि के प्रकार कर्मचारी के परिवार को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पूर्व सांसद एवं विधायक घर में कोई महिला हो तो उनको भी ये लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिला को लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास ट्रैक्टर है उनको भी नहीं मिलेगा। और ऐसी महिला जो केंद्र सरकार से जो है 10,000 रुपये महीना का लाभ ले रही है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेगा, दस्तावेज के बारे में आपको डिस्कस कर देते हैं कि जो दस्तावेज है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो लाडली बहना योजना में आपको दस्तावेज क्या क्या देने होंगे दोस्तों, बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए, DBT इनेबल होना चाहिए मतलब कि सक्रिय होना चाहिए, समग्र पोर्टल में आधार जो है KYC अपडेट होना चाहिए,
फायर में कंप्यूटर कैमरे से फोटो खींचने, इसलिए आवेदिका को उपस्थिति होना अनिवार्य है। जब आप अपना फार्म लेके जाएंगे तो आपका ऑफिसर जो है वहाँ पे जो है आपके ग्राम वार्ड में आएंगे, फोटो खींचेंगे, अनिवार्य होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक की जानकारी होनी चाहिए, समग्र होना चाहिए, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर जो है आयु संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक की जानकारी होना चाहिए, पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि लाडली बहना योजना का लिस्ट, लाडली बहना योजना का लिस्ट जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बताया कि लाडली बहना योजना ऑनलाइन आवेदन की पश्चात पात्र महिलाओं की सूची तैयार करने के लिए नोडल ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। सभी लाभार्थियों की सूची जिला स्तरीय बनाई जाएगी। लाडली बहना योजना लाभार्थी सूची अधिकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। दोस्तों आपको इसके पहले मैं बताया हूँ, आवेदन लाडली बहना योजना पर वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर आवेदन की स्थिति रहेगा, वहाँ पर अपना समग्र आईडी डाल के आप चेक कर पाएंगे कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह है, और बस इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि हमारे द्वारा एक छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी मिलते हैं दोस्तों लाडली बहना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।